हेलो चिल्ड्रन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विदे डेटा बेस कॉन्सेप्ट ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेटाबेस डेटाबेस क्या होता है अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली ओके तो डेटाबेस क्या है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज कलेक्शन मीन्स हमने डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट મે સ્ટોર کیا ہوا ہے એસા નહી કે કહી પે કુછ સ્ટોર હે કહી પે કુછ સ્ટોર હે નહી એક 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 પર્ટીક્યુલર ઓર્ડર મે રાઈટ જેસે આપકી માર્કશીટ આતી હે ઓકે માર્કશીટ મે ક્યા હોતે હે એક એક ફોર્મેટ હોતા હે આપકે પ્રેક્ટિકલ માર્ક્સ ડિફરન્ટ કોલમ મે હોતે હે થોર્ટીકલ માર્ક્સ ડિફરન્ટ કોલમ્સ મે હોતે હે રાઈટ તો એસે હી जब डेटा बेस क्रिएट करते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज वे में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं राइट एंड दैट डेटा कैन बी एक्सेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली और वो डेटा क्या होता है एक सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में होता है राइट right? तो आप उसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो आपके लैपटॉप आपके कंप्यूटर्स आपके आईपैड्स मोबाइल फोन्स ओके तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप क्या कर सकते हो डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो राइट right, अब समझ आया डेटाबेस क्या है डेटाबेस है कलेक्शन ऑफ़ डेटा और कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ऐसा नहीं कि आपने आ, एक कॉलम कहीं और स्टोर कर दिया है सेकेंड कॉलम किसी और फाइल में स्टोर नहीं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपका डेटा स्टोर होता है ऑर्गेनाइज्ड वे में राइट right? ओके okay? और आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो आप उसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो राइट नाउ अ डेटा इज डिजाइन एंड बिल्ड To serve a specific purpose as needed by a group of users, right? अब डेटा बेस बनाते क्यों है क्या जरूरत है डेटाबेस बनाने की डेटाबेस को हम डिजाइन करते हैं और बनाते हैं किसके लिए लोगों की नीड के अकॉर्डिंग राइट ओके देखो अ डेटाबेस डिजाइन एंड बिल्ट टू सर्व अ स्पेसिफिक पर्पस एज नीडेड बाय अ ग्रुप ऑफ यूजर्स ओके यूजर्स की नीड के अकॉर्डिंग हम लोग डेटा क्रिएट करते हैं राइट right? जैसे आपके स्कूल में होता है स्कूल डेटाबेस होता है उसमें जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका फ़ीस का डेटाबेस होता है कि हु हैज़ सबमिटेड द फीस हु हैज़ नॉट सबमिटेड द फीस मंथ वाइज ओके मंथली रिकॉर्ड इज देयर एंड आपके um, आपका पूरा जो आपके पर्टिकुलर्स होते हैं उनका डेटा दे, बेस होता है कि वो वट इज़ योर एड्रेस व्हाट इज़ योर नेम वट इज़ योर फादर्स नेम वट इज़ योर मदर्स नेम वट इज़ योर एनरोलमेंट नंबर एंड एवरी थिंग इज देयर ओके तो क्या होता है ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा बेस होते हैं आपके एनरोलमेंट नंबर से ही सिर्फ टाइप करने से डेटा बेस से क्या आता है आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो जाती है कि वट इज़ योर फादर नेम ओके इन विच ईयर यू ज्वाइन दिस स्कूल ओके तो क्या होता है हम कोई भी डेटाबेस बनाते हैं वो क्या, किस लिए बनाते हैं एक पर्टिकुलर नीड को पूरा करने के लिए बनाते हैं राइट ओके स डिजाइंड डेटा बेस कैन बी इंप्लीमेंटेड इन मेनी फॉर्म ओके अभी क्या कह रहा है एक बार आपने डेटा बेस को डिजाइन कर लिया आप उसको किसी भी फॉर्म में इंप्लीमेंट कर सकते हो आपके पास डेटा बेस है आप उसको टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप उसको फॉर्म की डिजाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप रिपोर्ट की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो राइट तो किसी भी फॉर्म में आप अपने डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर सकते हो राइट अब यहाँ पे हमारे पास डेटा बेस के कुछ एग्जाम्पल जैसे बैंकिंग सिस्टम्स है राइट बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है आपका जो भी आपने मनी uh, ट्रांसफ़र किया है विड्रॉल किया है उसका पूरा का पूरा डेटा बेस बना होता है राइट right? ओके okay? तो अगर ऐसा है कि आपने थाउजेंड uh, रुपीज़ विड्रॉ किए हैं तो क्या होता है आपके डेटा बेस में से आपकी मनी के अमाउंट में से वो कट हो जाता है राइट ओके एंड वो क्या होता हो जाता है अपडेट हो जाता है तो तो अगर आप बैंक में जाओगे जितने आपने पैसे निकाले थे उतने deduct हो चुके हैं राइट कम्प्यूटराइज मेडिकल रिकॉर्ड्स ऐसे ही आप जब uh, कहीं पर भी हॉस्पिटल्स uh, में जाते हैं तो आपके पास फाइल्स होती है मेडिकल फाइल्स ओके उस उसपे नंबर्स होते हैं कुछ जो जिस, जिस जिसको टाइप करने से पता चल जाता है कि आप जो जो आपका मेडिकल इशू है वो क्या है ठीक है विच डॉक्टर इज टेकिंग केयर ऑफ़ योर मेडिकल इशू ठीक है कौन आपको देख रहा है कौन से डॉक्टर से आपकी अपॉइंटमेंट है वो सारा रिकॉर्ड्स होता है राइट ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम ऑनलाइन शॉपिंग मतलब ऑनलाइन आप जब शॉपिंग करते हो ओके okay, तो वहाँ पे सारा डेटा बेस बना होता है अबाउट द प्रोडक्ट्स देयर प्राइजेस एंड एवरीथिंग राइट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम लाइब्रेरी में आपका डेटा बेस होता है बुक नंबर से द लाइब्रेरियन गेट्स टू नो कि किस सेल्फ के अंदर कौन सी बुक है राइट right? जैसे लाइब्रेरीज जहाँ पे बड़ी बड़ी होती है वहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं तो जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसकी हेल्प से लाइब्रेरियंस क्या करते हैं दे गेट टू नो कि कौन सी सेल्फ में कौन सी बुक रखी हुई है कौन सी बुक उन्होंने इशू की है कौन सी बुक दे हैव गॉट बैक कौन सी बुक उनको वापस मिल गई है राइट right? तो एवरी इज देयर ओके आर फ्यू एग्ज़ाम्पल ऑफ डेटा तो हमने क्या डेटा के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आप कोई भी लाइव एग्जाम्पल दे सकते हो रियल लाइफ से कोई भी एग्जाम्पल आप चूज़ कर सकते हो और आप यहाँ से भी कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो बैंकिंग सिस्टम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम वट यू वॉन्ट टू गिव राइट तो अब आप आपको ये समझ में आ गया कि डेटा होता क्या है राइट right? नौवी है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम डी बी एम एस ओके सबसे पहले हमने देखा कि डेटा बेस क्या होता है डेटा बेस क्या है सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में हमारे पास डेटा है ठीक है डेटा को हमने स्टोर किया है सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में राइट right? ओके okay? और हम उसे इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस कर सकते हैं ओके okay? अब ये डेटा बेस हम क्रिएट कैसे करें कैसे बनाएं सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में हम कैसे डेटाबेस बनाएं तो उसके लिए हमारे पास क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रेफर्स टू अ सॉफ्टवेयर डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग डेटा बेसिस अ डेटा अलॉन्ग विद डी बी एम एस इज रेफर टू एस डेटाबेस सिस्टम ओके okay, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या है जिसका काम है स्टोरिंग मतलब डेटा डेटा दे, बेस को स्टो, आ, स्टोर करना मेंटेन करना एंड उसको यूटिलाइज करना ठीक है मतलब डेटाबेस का क्रिएशन डेटाबेस को बनाना उसको मेंटेन करना उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है वो देखना वो सारा का सारा सिस्टम जो जो डील करता है वो क्या है एक सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओके तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर ओके दैट इज यूज टू क्रिएट द डेटा ओके एंड टू हैंडल द डेटा राइट अ विद डी बी एम एस के साथ ज्वाइन करते हैं तो दोनों को क्या बोलते हैं डेटाबेस सिस्टम राइट डेटा बेस एंड डी बी एम एस दोनों को आ, को मिला के हम बोलते हैं डेटाबेस सिस्टम समझ आया डेटाबेस को बनाने वाला सॉफ्टवेयर क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम राइट अब आपसे एग्जाम्पल अगर पूछे जाते हैं कि डी बी एम एस के एग्जाम्पल बताओ तो हमें क्या करना है कुछ सॉफ्टवेयर के नेम बताने हैं जो डेटाबेस क्रिएट करते हैं बनाते हैं तो सबसे पहले आपका माई ओके okay, जो आपके सिलेबस में भी है माई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपने ये आपने प्रीवियस क्लासेस में किया होगा जूनियर क्लासेस में नाइन्थेंथ में एक्सेस एसकिल सर्वर ओके फाइल मेकर ओरेकल

बताता है इट टेल्स अस हाउ वी कैन स्टोर डेटा इन अ डेटा बेस हम डेटाबेस के अंदर कैसे डेटा को स्टोर कर सकते हैं ओके एंड दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल डेटा मॉडल इससे पहले भी और डेटा मॉडल्स आए थे लाइक हिरारिकल डेटा मॉडल नेटवर्क डेटा मॉडल बट दे वर हैविंग सम ड्रॉबैक्स ओके सो नाउ अ डेज वी आर फॉलोइंग रिलेशनल डेटा मॉडल टू स्टोर डेटा इन द डेटा बेस राइट ओके इन रिलेशनल डेटा मॉडल द डेटा इज ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स रिलेशनल डेटा मॉडल के अकॉर्डिंग रिलेशनल डेटाबेस में हम डेटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं ओके ओके रिलेशनल डेटा मॉडल क्या सजेस्ट करता है कि डेटा इज ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स कि डेटाबेस में आप डेटा uh, को किस फॉर्म में स्टोर कर करते हो किस फॉर्म में स्टोर करोगे टेबल्स की फॉर्म में ओके okay? और टेबल्स किस कैसे बनते हैं टेबल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स ओके दीज आर द रोज हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स राइट दीज टेबल्स आर कॉल रिलेशन ओके और इन टेबल्स को क्या कहा जाता है रिलेशन टेबल को रिलेशन क्यों कहा जाता है क्योंकि ऑल द टेबल्स ऑफ द डेटाबेस आर रिलेटेड रिलू ईच अदर ओके देखो द टेबल्स और रिलेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर ओके जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं हम स्टूडेंट डेटा बेस बना रहे हैं तो स्टूडेंट डेटाबेस में आप जितनी भी टेबल्स स्टोर करोगे वो सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स उस उन सब के अंदर स्टूडेंट्स की डिटेल्स होंगे राइट तो ऑल द टेबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ पर्टिकुलर डेटा बेस डेट्स वेबल्स आर कॉर्ड एज रिलेशन ओके टेबल्स को इसलिए रिलेशन कहा जाता है राइट रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी रिलेशनल मॉडल में जो जो टर्म्स यूज होते हैं वी आर गोइंग टू सी देम ओके तो द फर्स्ट टर्म इज एंटिटी सबसे पहले जो टर्म रिलेशनल मॉडल में यूज होती है वो है एंटिटी राइट न व्हाट इज एंटिटी एंड एंटिटी इज समथिंग दैट एग्जिस्ट एंड अबाउट विच वी कैन स्टोर सम इंफॉर्मेशन एंटिटी वो चीज़ है जो प्रेजेंट है जो एग्जिस्ट करती है और जिससे जिसके रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं ओके अबाउट विच वी कैन स्टोर सम इंफॉर्मेशन जिसकी इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट आइंटिटी स्टूडेंट आइंटिटी स्टूडेंट से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आई डी स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट फादर्स नेम मदर्स नेम फी डिटेल एंड ऑल सो मैनी

से ही रिलेटेड हम टेबल का नेम रखते हैं जैसे हमारे पास ये स्टूडेंट का डेटा है तो हमने टेबल का नेम क्या यहाँ पे आ, आ, रखा है स्टूडेंट रिलेशन राइट फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट टेबल राइट नाउ नेक्स्ट वी हैव एट्रीब्यूट्स वट आर एट्रीब्यूट ओके कॉलम्स इन टेबल आर कॉल्ड एट्रीब्यूट और फील्ड टेबल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं ओके okay, उनको हम क्या बोलते, है? उनको हम बोलते हैं उनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स और फील्ड राइट वैल्यूज इन ईच कॉलम आर ऑफ सेम टाइप सेम डेटा टाइप एट्रीब्यूट की क्या क्वालिटी है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एक पर्टिकुलर कॉलम में सेम डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करोगे आप हाँ, राइट मतलब एक एट्रीब्यूट क्या करता है एक पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर करता है लाइक स्टूडेंट आई डी है स्टूडेंट आई डी में क्या है सारे नंबर्स है Then we have the name. Name attribute के अंदर क्या है uh, आपके स्ट्रिंग वैल्यूज है करेक्टर्स है फोन फोन के अंदर अगेन नंबर है डीओबी देन uh, आपका डेट डेटा टाइप इसमें यूज हुआ है फाइन ओके okay. तो जो एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट होता है वो वन वन टाइप टाइप डेटा की वैल्यू स्टोर कर सकता है आप फोन जैसे आप एग्जांपल लो फोन के अंदर ये तो नहीं है आपने फर्स्ट uh, जो इसका कॉलम है उसके अंदर आपने नंबर्स कर दिए फिर सेकंड में आपने क्या किया करेक्टर्स डाल दिए ए बी सी डी नो इट विल नॉट लेट यू एंटर द ए बी सी डी राइट ओके फॉर एग्जाम्पल हे स्टूडेंट रिलेशन कंसिस्ट ऑफ फोर फील्ड और एटीब्यूट स्टूडेंट आई डी नेम फोन नंबर एंड डी ओ बी अभी बता रहा है कि यहाँ पे जो टेबल है स्टूडेंट रिलेशन हमारे पास है स्टूडेंट रिलेशन मीन स्टूडेंट टेबल ओके उसके अंदर फोर एट्रीब्यूट्स हैं फोर एट्रीब्यूट यहाँ पे देखो स्टूडेंट आई डी नेम फॉर्म एंड डी ओवी ओके तो इसके यहाँ पे फोर एट्रीब्यूट्स हैं ओके तो यहाँ पे टेबल के कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं टेबल्स के कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं फील्ड्स भी बोल सकते हो आप और कॉलम्स भी बोल सकते हो राइट सो इट हैज थ्री नेम्स ओके एंड दे आर वर्टिकल ऑलवेज रिमेम्बर कॉलम्स आर वर्टिकल एंड दे कंटेन डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप एक पर्टिकुलर कॉलम में सेम डेटा टाइप का डेटा आप स्टोर करोगे फाइन हैव टपल ओके ईच रो इन द टेबल इज नॉन एज टपल टेबल के अंदर जो रोज होती है उनको हम क्या बोलते हैं टपल बोलते हैं ओके कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं और रोज को क्या कहते हैं टपल राइट इट इज ऑल्सो रो और रिकॉर्ड ओके और हम टपल को रो भी बोल सकते हैं और रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं राइट अ रिकॉर्ड इन अ अ टेबल रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ रिलेटेड डेटा और एक रिकॉर्ड क्या करता है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट रिकॉर्ड है ये आपका रिकॉर्ड वन है इसके अंदर मेट का रिकॉर्ड है नेम ऑफ नेम ऑफ द स्टूडेंट इज मेट एंड स्टूडेंट आई ऑफ मेट इज दिस फोन नंबर इज दिस इज दिस ओके तो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया कंप्लीट रिकॉर्ड रिप्रेजेंट हो गया मेट का ओके ओके फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट टेबल हैज फोर रिकॉर्ड्स तो ये बता रहा है यहाँ पे जो हमारे पास टेबल है उसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं फोर रिकॉर्ड्स हैं राइट ओके तो इट हैज फोर एट्रीब्यूट्स दिस स्टूडेंट रिलेशन हैज फोर एट्रीब्यूट्स एंड फोर रिकॉर्ड्स और फोर टपल्स राइट और फोर टपल्स फाइन Next, we have cardinality, of relation. Cardinal, cardinality क्या होता है मतलब table की कार्डिनलिटी क्या होता है के अंदर जितने टपल्स होते हैं ओके okay, उसको क्या कहा जाता है उसको टेबल की कार्डिनलिटी कहा जाता है ओके एंड वी नो इट वेरी वेल के टेबल को रिलेशन कहा जाता है राइट right? एग्जाम्पल द कार्डिनलिटी ऑफ स्टूडेंट रिलेशन इज फोर तो स्टूडेंट रिलेशन की कार्डीनलिटी क्या है फोर है फोर क्यों है क्योंकि इसके अंदर रोज कितनी है फोर तो so, इस टेबल की कार्डिनलिटी क्या है फोर कार्डीनलिटी फोर क्यों है क्योंकि नंबर ऑफ टपल्स इनर टेबल इनर रिलेशन इज कॉल्ड एज कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन ओके डिग्री ऑफ रिलेशन ठीक है एक टेबल के अंदर जितने कॉलम्स होते हैं ओके okay? और यू कैन से जितने एट्रीब्यूट होते हैं वो उनको क्या कहा जाता है उनको डिग्री ऑफ ऑफ टेबल और यू कैन से डिग्री ऑफ रिलेशन कहा जाता है राइट right? तो यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम्स है स्टूडेंट आई डी वन कॉलम नेम टू फोन थ्री एंड डी ओ बी फोर तो यहाँ पे डिग्री स्टूडेंट रिलेशन की डिग्री क्या है फोर ठीक है तो डिग्री क्या होती है जितने कॉलम्स होते हैं टेबल के अंदर और यू कैन से रिलेशन के अंदर उसको क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ रिलेशन वाइन

ओके okay, डोमेन क्या है एक सेट ऑफ वैल्यूज है वो कॉलम उन पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज से ही अपनी वैल्यूज को लेता है ठीक है यहां पे लिखे ना डोमेन इज पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यूज अपियरिंग इन गिवन कॉलम ड्रॉन मतलब इससे लेता है ठीक है तो जितने भी इसके अंदर कॉलम्स होते हैं उनका एक डोमेन होता है और वो क्या करते हैं अपने पर्टिकुलर डोमेन से ही वैल्यूज को एक्सेस करते हैं वैल्यूज को लेते हैं तो आई का डोमेन होगा वो आई जो भी वैल्यूज होंगी वहां से वैल्यूज लेगा नेम का डोमेन होगा वो नेम जो भी वैल्यूज होंगी उस पर्टिकुलर सेट में वहां से वैल्यू लेगा क्लास अपने पर्टिकुलर डोमेन से वैल्यू लेगा ओके तो ये डोमेन क्या है पूल ऑफ वैल्यू मतलब एक पूल है वैल्यूज़ का यू इट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट मे कंटेन और इसके अंदर वो सारी वैल्यूज होती हैं जो एक पर्टिकुलर फील्ड को चाहिए फॉर एग्जांपल इन द गिवन टेबल स्टूडेंट डोमेन फॉर द जेंटर डोमेन फॉर द फील्ड जेंडर कंटेन्स टू वैल्यूज अब देखो जेंडर के अंदर का डोमेन है सिर्फ दो ही वैल्यू यहाँ पे कंटेन कर रहा है फीमेल और मेल ठीक है बिकॉज मेल एंड फीमेल आर द टू पॉसिबल वैल्यूज दैट इट मे कंटेन क्योंकि जेंडर फील्ड में इस ये दो ही वैल्यूज क्या है इसको दो ही वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है फीमेल एंड मेल की तो जो इसका डोमेन है वो दो ही वैल्यू को कंटेन कर रहा है मेल एंड फीमेल फाइन समझ आ गया डोमेन क्या होता है डोमेन इज अ पूल ऑफ वैल्यू फ्रॉम विच अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट अ पर्टिकुलर कॉलम एक्सेस इट्स वैल्यूज फाइन नाउ वी हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रिलेशन जो हमने अभी किया है क्या होता है रिलेशन रिलेशन इज द टेबल इन विच डेटा इज अरेन्ज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स ओके रिलेशन क्या है टेबल है जिसमें हम डेटा को रोज एंड कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हैं ओके इन द स्टूडेंट रिलेशन यहाँ पे आ, देखो यहाँ पे स्टूडेंट रिलेशन है देर आर फोर टपल्स ओके फोर टपल्स हैं मतलब फोर रोज हैं इसलिए कार्डिनेलिटी भी क्या है फोर है ठीक है कार्डिनेलिटी क्या होता है नंबर ऑफ टपल्स इन रिलेशन एंड फोर एटीब्यूट्स फोर एटीब्यूट मीन्स फोर एटिब्यूट मीन्स फोर कॉलम्स ओके इसलिए डिग्री क्या है डिग्री क्या होती है नंबर ऑफ कॉलम्स इन रिलेशन तो डिग्री हमारे यहाँ पे क्या है फोर ओके स्टूडेंट आई डी नेम फोन नंबर एन डी ओ बी आर द एटीब्यूट नेम ओके और यहाँ पे ये वाले जो स्टूडेंट आई डी नेम फोन एन डी ओ बी क्या है एटीब्यूट्स के नेम है ओके सोलेशन इज वॉट इट इज़ द टेबल Right, and why we called it relation because in relational database, all the tables are related to each other. Now we have database keys. ओके कीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस ठीक है कीज़ क्या है कीज़ क्या होते हैं कॉलम्स होते, है, होते हैं फील्ड्स होते हैं ठीक है और ये रिलेशनल डेटाबेस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं दे आर यूज टू स्टेब्लिश एंड आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन टू और मोर टेबल्स रिलेशनल डेटा की क्रेटिस्टिक्स क्या है इसके अंदर जितनी भी टेबल्स होती है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है तो जो ये रिलेशन स्टेब्लिश करने का जो काम होता है वो किसका काम वो, वो कौन करता है वो कीज करती हैं राइट right? ओके okay, देखो यहाँ पे दिया रिलेशन बिटवीन और मोर टेबल्स देखते हैं कि कौन कौन सी कीज हम रिलेशनल डेटा बेस में यूज करते हैं फाइन ओके सो द फर्स्ट वन इज प्राइमरी की सबसे पहले जो हमारी की है वो है प्राइमरी की ठीक है अ प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स डेट कैन यूनिकली आईडेंटिफाई टपल्स विद इन द रिलेशन ओके तो प्राइमरी की वो कॉलम्स होते हैं वो एट्रीब्यूट होते हैं जो क्या करते हैं टेबल की रिकॉर्ड्स को टेबल की टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं ठीक है एक दूसरे से अलग करते हैं ठीक है एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आई डी इज द प्राइमरी इन स्टूडेंट रिलेशन तो ये क्या कह रहा है देखो एग्जाम्पल स्टूडेंट आई डी क्या है प्राइमरी की है स्टूडेंट टेबल में ठीक है अब मैं आपको एक नॉर्मल से एग्जाम्पल देती हूँ जैसे हमारी क्लास जैसे हम क्लास होती है क्लास के अंदर इट इज़ क्वाइट ऑफ फन कि दो स्टूडेंट या जो थ्री uh, स्टूडेंट्स हो उनका नेम सेम हो ओके बट हाउ दे आर डिफरेंशिएटेड दे आर डिफरेंशिएटेड बाई द रोल नंबर ठीक है हम उनको कैसे कैसे अलग पहचान पहचानते हैं उनके रोल नंबर से बिकॉज रोल नंबर क्या होता है तो टू स्टूडेंट्स का रोल नंबर कभी भी सेम नहीं होगा ओके okay? तो जब अगर टीचर उनका उनसे रिलेटेड कोई टेबल बनाती है डेटा स्टोर करती है तो वो क्या करेगी रोल नंबर की बेसिस पर आ, उनको उनका डिटेल्स स्टोर करेगी राइट तो यहाँ पे रोल नंबर क्या बन जाएगा रोल नंबर वाला कॉलम क्या बन जाएगा वो प्राइमरी की बन जाएगा ठीक है प्राइमरी की क्या होता है वो कॉलम होता है और आप कह सकते हो वो फील्ड होता है वो एट्रीब्यूट होता है ठीक है जिसके अंदर यूनिक डेटा स्टोर होता है फाइन और उस यूनिक डेटा की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं रोज को एक दूसरे से और रिकॉर्ड्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फाइन ओके okay? तो यहाँ पे देखो इस टेबल के अंदर हमने स्टूडेंट आईडी को क्या बना यहाँ पे हमने स्टूडेंट आईडी को क्या बना दिया है प्राइमरी की ठीक है ये स्टूडेंट आईडी में क्या है यूनिक डेटा है ओके okay. और इसकी हेल्प से हम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से अलग कर सकते हैं राइट right? फीचर्स ऑफ प्राइमरी की प्राइमरी की के क्या फीचर्स होते हैं आपको ये तो समझ आ गया ना प्राइम की की का मतलब क्या कॉलम है फील्ड है ठीक है थीके? ओके तो प्राइमरी uh, की के क्या फीचर्स हैं जिस फील्ड uh, को हम प्राइमरी की बना रहे हैं उसके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए राइट अब प्राइमरी की डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट और रिडंडेंट वैल्यू ठीक है प्राइमरी uh, की जो कॉलम हम प्राइमरी की बना रहे हैं ठीक है थीके? उसके अंदर कोई भी ठीक है कोई भी फील्ड uh, कोई भी पर्टिकुलर uh, उसका जो सेल uh, है राइट right? वो क्या हो डुप्लीकेट डेटा कंटेन नहीं करता प्राइमरी की की ये होती है कि प्राइमरी की जो भी कॉलम आप प्राइमरी की बना रहे हो उसके अंदर आप डुप्लीकेट डेटा नहीं डाल सकते हो ठीक है अगर रोल नंबर ही सेम सेम हो गए तो क्या होगा वो रिकॉर्ड्स को डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकती है. अगर दो बच्चों का रोल नंबर वन हो गया या दो बच्चों का रोल नंबर टू हो गया तो क्या हो गया uh, आप उनके रिकॉर्ड्स को ही डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते तो इसकी क्या करेटरिस्टिक्स है प्राइमरी की के अंदर आप डुप्लीकेट डेटा या रिडेंडेंट वैल्यू रिडेंडेंट क्या होता है डुप्लीकेट वैल्यूज रिडेंडेंट वैल्यूज नहीं डाल सकते प्राइमरी की इसको कंटेन नहीं करती है ठीक है जो फील्ड प्राइमरी की बनता है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को कंटेन नहीं करता है द वैल्यूज ऑफ प्राइमरी की इन एनी टपल कैन नॉट बी नल ठीक uh, है अब नेक्स्ट इसका क्या है प्राइमरी प्राइमरी की की के अंदर कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती मतलब आप उसके किसी भी सेल को वैकेंट नहीं छोड़ सकते किसी भी वैल्यू को आप जीरो नहीं बना सकते राइट ओके ओके वेन प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट इट इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की और कॉन प्राइमरी की ओके आप एक से ज्यादा कॉलम्स को भी क्या बना सकते हो प्राइमरी की बना सकते हो ठीक है जब हमारे पास एक से ज़्यादा कॉलम्स कंबाइन होके प्राइमरी की बनती है तो हम उसको क्या बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की और कॉन प्राइमरी की ओके तो प्राइमरी की कौन सा कॉलम है वो कॉलम है वो फील्ड है जिसके अंदर यूनिक डेटा होता है जिसमें कोई भी वैल्यू नल नहीं होती ओके okay? और जो हेल्प करता है टेबल के रिकॉर्ड्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशियट करने में ओके okay? और जब हम एक से ज्यादा कॉलम्स को कंबाइन करके प्राइमरी की बनाते हैं तो उसको कंपोजिट प्राइमरी की या कॉन प्राइमरी की कहते हैं राइट नेक्स्ट वी अ प्राइमरी की आर कॉल्ड कैंडिडेट की ओके okay. अब कैंडिडेट कीज़ क्या होती है कैंडिडेट कीज़ वो कॉलम्स होते हैं वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके अंदर प्राइमरी की बनने की कैपेबिलिटी होती है मतलब वो प्राइमरी की बन सकते हैं क्योंकि एज दी पॉजेस ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी की क्योंकि उसके अंदर प्राइमरी की की सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ठीक है जो प्राइमरी की क्राइटिस क्या होती है उसके अंदर डुप्लीकेट डुप्लीकेट डेटा ना हो नल वैल्यूज ना हो राइट तो जितने भी कॉलम्स के अंदर प्राइमरी की बनने की कैपेबिलिटी होती है उनको हम कैंडिडेट की कहते हैं राइट अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल इन स्टूडेंट रिलेशन स्टूडेंट आई रोल नंबर एंड ई मेल आर थ्री कैंडिडेट की तो यहाँ पे हमारे पास थ्री कॉलम्स हैं और थ्री और यू कैन से थ्री एटीब्यूट हैं जिनमें से जि, जिनमें से जिन जिनके अंदर प्राइमरी की बनने की कैपेबिलिटी है स्टूडेंट आईडी के अंदर भी यूनिक डेटा है और वो नल वैल्यूज नहीं है रोल रोल नंबर के अंदर भी यूनिक डेटा है नल वैल्यूज नहीं है ईमेल के अंदर भी यूनिक डेटा है और नल वैल्यूज नहीं है राइट तो इन तीनों फील्ड के अंदर क्या है प्राइमरी की बनने की कैपेबिलिटी है इसलिए हम इन तीनों फील्ड्स को क्या कहते हैं कैंडिडेट की ये तीनों क्या है प्राइमरी की बनने के कैंडिडेट हैं फाइन ओके देखो इन स्टूडेंट रिलेशन स्टूडेंट आईडी रोल नंबर एंड ईमेल आर थ्री कैंडिडेट कीज आउट ऑफ देम स्टूडेंट आईडी बिकेम प्राइमरी की तो हमारे पास थ्री कैंडिडेट थे तो उसमें से हमने वन चूज करके प्राइमरी की बना दिया एंड दैट इज स्टूडेंट आईडी कॉलम ठीक है ओके इन केस ऑफ टू और मोर कैंडिडेट कीज द डेटाबेस एनालिस्ट डिसाइड्स वन ऑफ देम एज द प्राइमरी की फॉर द रिलेशन जब एक से ज्यादा कीज के अंदर जब हमारे पास बहुत सारी कैंडिडेट केस होती हैं, ओके? Okay? तो इस में डेटाबेस एनालिस्ट डिसाइड करता है कि कॉलम कौन सी, कौन सी को या ग्रुप ऑफ कॉलम को प्राइमरी की बनाना है फाइन तो आपको समझ आ गया कैंडिडेट कीज कौन सी होती है कैंडिडेट कीज वो कॉलम्स होते हैं वो एटीट्यूट होते हैं जिनके अंदर प्राइमरी की बनने के लिए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फाइन कैंडिडेट की विच इज नॉट चूजन की इज कॉल्डर ओके तो अभी हमने देखा था कैंडिडेट कीज कौन सी होती है जो प्राइमरी की बनने के लिए कैपेबल होती है ठीक है तो आउट ऑफ कैंडिडेट कीज वन इज चूज एज प्राइमरी की जितनी भी कैंडिडेट कीज थी उनमें से हमने एक को या एक से ज्यादा के ग्रुप को क्या बना दिया प्राइमरी की बना दिया ओके okay? तो जो बाकी के कैंडिडेट कीज बनी बच गई हैं जो रह गई हैं ठीक है वो अब क्या बन जाएंगी अल्टरनेट कीज बन जाएंगी जैसे हमारे पास तीन कैंडिडेट कीज थी स्टूडेंट आई रोल नंबर और ई राइट right. उसमें से आपने स्टूडेंट आईडी को बना दिया स्टूडेंट आईडी को आपने बना दिया प्राइमरी की ठीक है स्टूडेंट आईडी को आपने बना दिया प्राइमरी की तो अब हमारे पास दो कैंडिडेट्स बच गए रोल नंबर और ईमेल ओके okay? तो अब रोल नंबर और ईमेल क्या बन गए हैं ये दोनों बन गए अल्टरनेट की ठीक है हमारे पास तीन कैंडिडेट कीज़ थी जिसमें से एक को हमने चूज कर दिया प्राइमरी की तो जो बाकी के कैंडिडेट कीज़ बच गए गए जो रह गए, उनको अब हम क्या बोलेंगे अल्टरनेट कीज़ समझ आया ठीक है कैंडिडेट कीज में से आपने प्राइम प्राइमरी की को माइनस कर दिया तो आपके पास बच गया अल्टरनेट की स्टूडेंट रिलेशन स्टूडेंट आई डी रोल नंबर

प्राइमरी की को चूज कर लिया जाता है तो जो बाकी बची हुई कैंडिडेट कीज़ होती हैं उनको वो क्या बन जाती हैं वो बन जाती है अल्टरनेट कीज़ ओके नेक्स्ट वी हैव फॉरेन की ओके नो व्हाट इज फॉरेन की अननोन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर ड्रिवन फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल इज नोन एज फॉरेन की इन इट्स करेंट टेबल फॉरेन की क्या होती है फॉरेन की वो कॉलम होता है जिसकी वैल्यूज हम किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की से लेते हैं समझ आया फॉरेन की वो कॉलम है वो फील्ड है ठीक है वो एट्रीब्यूट है जिसका डेटा जिसकी वैल्यूज हम किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की से लेते हैं इस टेबल के अंदर ये क्या है प्राइमरी की नहीं है ठीक है बट हम इसका जो डेटा ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं दूसरे टेबल की प्राइमरी की से ले रहे हैं ओके तो इस करेंट टेबल के अंदर इसको हमने क्या नेम दे दिया फॉरन की फॉरन की कौन सी की होती है दैट एक्सेस दैट टेक्स डेटा फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल ओके, एक टेबल का नॉन की एट्रीब्यूट की नहीं है ठीक है लेकिन दूसरे टेबल में वो क्या है प्राइमरी की है फाइन उसको हम क्या बोलते हैं फॉरन की ओके सिंपल वर्ड्स में आप समझो ऐसा ऐसा फील्ड ऐसा कॉलम जिसकी वैल्यूज किसी और टेबल के प्राइमरी की से क्या हो रही है एक्सेस हो रही है ड्राइव हो रही है तो उस कॉलम को हम क्या बोलेंगे फॉरेन की बोलेंगे ठीक है हेयर स्टूडेंट आई डी एट्रीब्यूट ऑफ टेबल डिपार्टमेंट इज द फॉरन की ठीक है तो स्टूडेंट आई डी डिपार्टमेंट टेबल का क्या है फॉरन की सिंस इट्स वैल्यूज आर ड्राइव फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ द टेबल स्टूडेंट और इसको फॉरन की हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हम कहाँ से ले रहे हैं इसकी वैल्यू कहाँ से ड्राइव हो रही है प्राइमरी की ऑफ स्टूडेंट टेबल स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की से फाइन अ टेबल विच कंटेन्स प्राइमरी की मास्टर टेबल ठीक है जिस टेबल के अंदर प्राइमरी की होती है उसको हम प्राइमरी टेबल कहते हैं ओके okay? और मास्टर टेबल भी आ कह सकते हैं राइट एंड अ टेबल विच कंटेन्स फॉरन की टेबल और डिटेल टेबल और जिस टेबल के अंदर फॉरेन की होते हैं फॉरन की होती है उसे आप फॉरिन टेबल भी बोल सकते हो और डिटेल टेबल भी बोल सकते हो ओके okay? समझ आया तो फॉरेन की क्या है फॉरेन की वो फील्ड है वो कॉलम है जिसका डेटा कहाँ से एक्सेस हो रहा है कहाँ से ड्राइव हो रहा है किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की से एक्सेस हो रहा है राइट right? ओके okay? तो इसके अंदर एक एक और कॉन्सेप्ट आता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का आता है मतलब कुछ कंस्टेंट्स जब हम ऐसे फॉरेन की बनाते हैं तो कुछ कंस्टेंट यूज़ करते हैं कि प्राइमरी की और जो फॉरेन जो प्राइमरी टेबल होती है और फॉरेन टेबल होती है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है पैन दे एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं फाइन सो वी विल डू रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लेटर ऑन अभी आप सिर्फ इतना कि फॉर्न फॉर्न की की क्या होती है की वो कॉलम है जिसका डेटा किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की से एक्सेस हो रहा है राइट ओके फाइन ओके एवरी वन इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू